एनएच 2 पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले का मेन सरगना चढ़ा पुलिस के हत्थे। बिहार के कैमूर के एनएच 2 पर लूट कांड का मुख्य सरगना जितेंद्र कुमार रोहतास जिले से गिरफ्तार। रोहतास औरंगाबाद कैमूर में कई लूट का है आरोपी। लूटी हुई 5 लग्जरी गाड़ी और 3 बाइक बरामद। 31 जुलाई को मोहनिया क्षेत्र में टवेरा गाड़ी की लूट हुई थी, जिसको पुलिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान ने पता किया तो औरंगाबाद से लूट के टवेरा बरामद किया गया था और 6 लुटेरे गिरफ्तार किए गए थे। आज लूटकांड के मुख्य सरगना के साथ लूट के 5 लग्जरी कार और 3 बाइक बरामद की गई। पुलिस जांच में जुटी है। वहीं कैमूर एसपी प्रेस वार्ता कर बताए कि एनएच 2 पर लग्जरी गाड़ी ट्रक को माल सहित लूट के घटना को अंजाम देती थी। इस ग्रुप का पहले भी 2 दिन पूर्व 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें 4 की छापेमारी की जा रही थी, जिसमें आज इस ग्रुप का मेन सरगना जितेंद्र कुमार को आज उसके घर रोहतास जिले के ग्राम मसौना थाना मझौली से गिरफ्तार किया गया। उसने अपने द्वारा लूट की गई घटना को स्वीकार किया, जिसके पास से 5 कार 3 बाइक को बरामद किया गया। एसपी ने बताया कि रोहतास जिले के नौखा में शराब के कारोबार करते समय जितेंद्र को पैर में चोट लगी थी, जिससे उसके पैर में रॉड लगाई गई। उसके बाद भी गाड़ी तेज चलाता है, जिसके कारण लूट की घटना कर फरार हो जाता था। एनएच पर लग्जरी गाड़ियों को और ट्रक माल समेत लूटपाट करने वाले कुछ गिरोह, एक गिरोह पकड़ा गया था 2 दिन पहले। उसमें 3-4 अभियुक्त फरार थे, जिसमें एक अभियुक्त जितेंद्र कुमार की गिरफ्तारी हुई है, जो उस गिरोह का सक्रिय सदस्य है। इसके द्वारा हमारे मोहनिया थाना अंतर्गत एक टर्वेरा लूट की घटना हुई थी, उसके साथ रोहतास में गोली मार करके जो ब्रेजा गाड़ी लूटी गई थी, उसमें भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। और इस गिरोह की निशानदेही पर गोह थाना क्षेत्र औरंगाबाद से जो मुख्य सरगना है, उसके घर से 3 कार और 3 मोटरसाइकिल जो लूटी गई है वो बरामद की गई है। मतलब ये कूड़ा गिरोह है, अभी तक 5 फोर व्हीलर और 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। ये जो अभियुक्त पकड़ा गया है, इसके पैर में शराब बेचने के दौरान एक्सीडेंट किया था, जिसमें इसके पैर में स्टील भी लगा है, लेकिन उसके बावजूद ये काफ़ी तेज मोटरसाइकिल चलाता है और लूटपाट करके ये फरार हो जाता था। और मतलब पहले भी संझौली थाना में 2 लूट कांडों में, डकैती और लूट के कांडों में, और नोखा थाना के लूट के कांडों में पहले से भी अभियुक्त रहा है। 3 केस पहले से इस पर लूट और डकैती के इसमें आरोप पत्रित रहा है, और अभी एक फ्रेश गिरफ्तारी हुई है। अपने इसके बारे में सूचना है कि अब इसके चाचा मुखिया हैं और उनका भी बुलेट मोटरसाइकिल इसके द्वारा चोरी कर लिया गया था। अभी सबका सत्यापन किया जा रहा है। सर, इसमें कितने टीम लगे हुए थे, टीम को क्या प्रोसेस? नहीं, इसमें पूरे मतलब जिले के मोहनिया थाना अध्यक्ष और DIO की टीम और भी कई पदाधिकारी लगे हुए थे, और काफ़ी प्रयास के बाद इस गिरोह को पकड़ा गया और सभी को पुरस्कृत किया जाएगा। अपने चाचा का भी मोटरसाइकिल? ना सर, चाचा वाला नहीं। बुलेट? ना सर, तो हमको 10 दिन घुमाया, फिर 10 दिन के बाद दारू पी कर आए, हमको मारने लगे, पकड़ के तू ही छिनवाया है बुलेट, बताओ। तुम्हारे पैर में रॉड लगा हुआ है, उसके बाद भी चोरी करते हैं? सर, इन्हें 19 तारीख के मकसूद 2 लड़का को बुलाया, बोला कि शूटर है सुनील इंदल को, मीटिंग हुआ जखनीपुर पर। मीटिंग करने के बाद 2 दिन बाद फिर 19 तारीख को घटना शुरू किया। हम सुन नहीं तो प्रदर्शन कि तोरा रहे चाहे नहीं के रहे, कोई कहिए मत रहे तो तोरा गोल में रट डाल बा, तू रहिए साइड में, ना तो तोरा के पुलिस धरी तो मार दी तू हाथ टूट दे। तो हम कहीं हम ध्यान गुरी अब कोई कहम ना हम, लेकिन संझौली थाना के छोटा बाबू विनोद सर को हम जानता है, जितने हम कहीं ना सर मेरी हम जानते रहे तब ना बताएंगे सर। अभी तुम कहाँ कहाँ लूट का मतलब काम किए? रोहतास, कैमूर? ना, 2 बजे है। इससे पहले सर कुछ ना, दारू बेचते रहे और कौन के पहले क्या करते थे? दारू बेचा। 2018 मैं सर संजौली थाना के दूसरा लड़का गाली गलौज कर दिया सर से, हम जब नहीं गए तो 2 महीना बाद अगस्त में हमको केस चार्ज करके भेज दिए, बोले कि जा रहे ना तो तुमको लपेट कर जाएंगे, सुमन सर जोड़ोगा तो उस टाइम सारा धारा हमारे ऊपर लगा। पैर कैसे फूट गया जिसमें रड लगा?
दारू पी कर जा रहे थे सासाराम नुखा से का दारू पी कर नुखा से सासाराम डेरा पा रहे थे ना सर ठीक ठीक अच्छा ठीक पी कर जा रहे थे गाड़ी मैंने पूरा स्पीड था जखनी पुले में घुस गए उसी से तुम्हारा पैर टूट गया। कितना दिन से कारोबार संभाले हुए हैं? ई सर ई तो 19 तारीख हमारे हम को लूटपाट में ना जाते सर दारू बेचत रहे दारू कितना पैसा कमाए लगभग दारू में 8-9 लाख रुपया कमाए जो में 4-5 लाख रुपया गोल में लागू केस में लागू सर अभी तक घर द्वार नहीं बने ठीक क्या नाम है तुम्हारा जितेंद्र चला कहा जाए।